नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की सामान्य ज्ञान परीक्षा का पुनर्आयोजन 30 जुलाई को प्रदेश के 28 जिलों में किया जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम शुरू कर दिए हैं। जिलों में परीक्षा के पेपर भी पहुँच गए हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रखवाया गया है। RPSC द्वारा अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर जिलों में किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सुविधार्थ प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम दूरभाष संख्या की जिलेवार सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्रीगंगानगर की सब मंडी यार्ड के संचालकों पर एक और धोखाधड़ी का मुकदमा सदर थाने में दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज करवाते हुए ओम प्रकाश ने बताया कि उसने सब मंडी यार्ड के पार्टनर नितिन लीला और अतिन लीला को दुकान के लिए 13 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने रुपए लेने के बाद भी दुकान उसके नाम नहीं करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इन अगर बंधुओं पर 76 लाख रुपए की धोखाधड़ी का पूर्व में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं इसी मंडी के दूसरे पार्टनर प्रदीप अग्रवाल पर भी 38 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। झालावाड़ जिले के पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार ने पीड़िता से रेप के मामले में 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 7 आरोपियों पर 50,000 रुपए के जुर्माने भी लगाए हैं। विशेष लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि पगारिया थाना के अंडूखेड़ी गाँव के रहने वाले पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि पीड़िता जब घर के बाहर बने बाथरूम में गई तो उसी दौरान 3 युवक पप्पू सिंह, नारायण सिंह तथा गोविंद मेघवाल ने उसे नशीला रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया और नारायण सिंह के खेत पर ले गए। वहां तीनों ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ रेप किया, जिसके बाद गोविंद मेघवाल उसे किसी ढाबे के पास छोड़कर चला गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में अनुसंधान कर चालान पेश किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता तथा सहायक नगर नियोजक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी भी कैंडिडेट्स को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 29 से 31 जुलाई 2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि सहायक अभियंता परीक्षा 21 मई 2023 को तथा सहायक नगर नियोजक परीक्षा 16 जून 2023 को आयोजित की गई थी। आयोग आपत्तियों की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होगी। इस परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नागौर जिले की कुचामन सिटी पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी ने बताया कि जोधपुर क्षेत्र निवासी परिवादी ने 2 महिलाओं के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि कुचामन में एक मकान पर महिला ने फुसलाकर बुलाया और फिर धोखे से उसके साथ अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए, जिसके बाद महिलाओं ने परिवादी को ब्लैकमेल कर उसे 16,50,000 रुपए ऐंठ लिए, साथ ही और 10 लाख रुपयों की मांग कर रही थी। थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी महिला पाली की रहने वाली है, जो वर्तमान में जोधपुर शहर में चूड़ियों का काम कर रही थी, जबकि दूसरी महिला जवाना थाना क्षेत्र की निवासी है, जो कुछ दिनों से कुचामन में रह रही थी। आरोपी महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। RPSC द्वारा स्कूल लेक्चरर संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के हिंदी सहित 5 विषयों की काउंसलिंग 5 अगस्त को की जाएगी। आयोग ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि स्कूल लेक्चरर हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य व्याकरण और साहित्य के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए विचारित सूचियां 29 व 30 मई, 6, 15 और 19 जून को जारी की गई। इन सूचियों में शामिल अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की
जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। पात्रता जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। काउंसलिंग 5 अगस्त को आयोग कार्यालय में की जाएगी। आयोग द्वारा हिंदी के 71, अंग्रेजी के 65, सामान्य व्याकरण के 65, व्याकरण के 7 और साहित्य के 50 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। संसद में शुक्रवार को भी मणिपुर हिंसा का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में हालात ये रहे कि सदन शुरू होने के कुछ देर बाद ही कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मणिपुर हिंसा पर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा के लिए राज्यसभा में 47 नोटिस दिए गए थे। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री के बयान और सदन में विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। राज्यसभा के सभापति ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि 47 सांसदों ने नियम 267 के अंतर्गत चर्चा की मांग की है। मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करने वाले इन सांसदों में कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, तिरुचि शिवा, जॉन बिटास, मनोज झा, शक्ति सिंह गोहिल, रंजित रंजन, विवेक तंखा, डेरेक ओ ब्रायन, मुकुल वासनिक, रामगोपाल यादव, जया बच्चन, डोला सेन, दीपेंद्र हुड्डा व कानिमोजी समेत अन्य कई सांसद थे। उदयपुर में कनौड नगर पालिका के जेएन जयराम मीना द्वारा मारपीट के लगाए आरोपों के बाद पुलिस ने कांग्रेस महिला पार्षद सोनिया बागवान के पति अल्ताफ बागवान को गिरफ्तार कर लिया है। पार्षद पति के खिलाफ जेएन ने बीती रात राजकार्य में बाधा, मारपीट और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी पार्षद पति से पूछताछ करते हुए मामले की जांच में जुटी है। इधर पार्षद पति की गिरफ्तारी के बाद अब भाजपा और जनता सेना पदाधिकारी पार्षद सोनिया बागवान को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। सियासी तौर पर मामला बीजेपी कांग्रेस के आमने सामने का हो गया। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और धरना लगा दिया। माहौल गर्माता देख वल्लभ नगर डिप्टी रविंदर प्रताप सिंह, SDM मोनिका जाखड़, तहसीलदार मोबिन मोहम्मद, फिंडर थानाधिकारी पूनाराम गुजर और कानोर थानाधिकारी मनीष खोईवाल जाप्ते के साथ मौजूद हैं। चूरू जिले में 24 वर्षीय युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने युवती को उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। युवती को आरोपियों ने मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद और पाली लेकर जाकर नशीली दवा देकर गैंगरेप किया। महिला थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि युवती ने रिपोर्ट दी कि तारानगर निवासी जयदेव, राहुल, राकेश, मोनू और बाबूलाल किराए पर रहते हैं, जो RBL फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, जिसमें जयदेव ने मेरी माँ को RBL फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाया। किश्त लेने के चक्कर में जयदेव घर आता था। करीब एक महीने जयदेव ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके नग्न फोटो वीडियो बना लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप करता रहा। 9 जुलाई को जबरदस्ती काले शीशे लगी गाड़ी में डालकर ले गया। गाड़ी में पहले से राहुल, राकेश और अन्य व्यक्ति था। आरोपी पीड़िता को जयपुर ले गए, जहां कमरे में बंद रखकर नशीली दवाई देकर गैंग रेप किया। इसके बाद आरोपी उसको मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद लेकर गए, जहां मोनू पहले से मौजूद था। आरोपियों ने वहां भी गैंग रेप किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर में दो हिस्ट्री शीटर भाइयों की अवैध संपत्ति पर पुलिस और JDA ने मिलकर बुलडोजर फिरा दिया। लाखों की संपत्ति को देखते ही देखते माटी कर दिया। परिवार वालों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस नहीं रुकी और सब कुछ ढेर कर दिया। पुलिस मुख्यालयों के निर्देश के बाद जयपुर पुलिस ने इस तरह का एक्शन लिया है। प्रदेश में बड़े गुंडों पर पुलिस ने इन दिनों ऑपरेशन ब्रिज प्रहार शुरू कर रखा है। इसके तहत बदमाशों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब तक करीब 10 से ज्यादा बदमाश इसके चपेट में आ चुके हैं और इसके अलावा करीब 40 बदमाशों की लिस्ट और तैयार है। करनी विहार थाना पुलिस ने बताया कि गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में रहने वाले मंजूर और उसका भाई नासिर की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर आज बुलडोजर चला है। दोनों करनी विहरा इलाके के हार्डकोर बदमाश हैं और थाने में दोनों ही भाइयों की हिस्ट्री शीटर खुली हुई है। जयपुर के बस्ती स्थित उप जिला अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी हो गया। वह 24 घंटे पहले ही जन्मा था। तुरंत पुलिस को सूचना मिली तो बस्ती, कनोता, तुंगा और खो नागोरियन इलाके के 70 से ज्यादा पुलिस वालों ने आसपास के पूरे इलाके में सघन नाकाबंदी शुरू कर दी
उसे चुराने वाली एक महिला और 18 साल की एक किशोरी को भी हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा इलाके की रहने वाली कलावती की डिलीवरी 26 जुलाई की रात को बस्सी के उपजिला अस्पताल में हुई थी। उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। 27 जुलाई को एक महिला कलावती की सास के पास आकर बैठी और बोली, बच्चे को 24 घंटे हो गए हैं, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा और टीका लगवाना होगा। उसने कहा कि अस्पताल के बाहर दूसरी ओर डॉक्टर बैठते हैं, उनको दिखाएं। दादी अपने पोते को लेकर महिला के साथ आ गई। महिला ने दादी को जन्म के दस्तावेज लेने भेज दिया और खुद बच्चा लेकर फरार हो गई।